नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सरकारी नौकरी पाने का आपके पास जबरदस्त मौका है। चार जिले बीजापुर, कोंडागांव, कबीरधाम, नारायणपुर, इन चार जिलों में कुल मिलाकर के 108 पदों पर सरकारी नौकरी के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। क्रमशः चारों जिले की जानकारी आपको एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। कौन से पदों के लिए वैकेंसी जारी किया गया है तो सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट, अभृत्य, अर्दली, चौकीदार, फरास, वाहन चालक सहित विभिन्न प्रकार के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। सभी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। यदि आप चैनल में नए इसी प्रकार के नए अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए पहले हम बात करते हैं बीजापुर से। तो बीजापुर से विज्ञापन जारी किया गया। देखिए, बीजापुर में सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट, अभृत्य, अर्दली, चौकीदार, फर्रास के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से आवेदन मंगाए जा रहे हैं। 25/5/2023 से 20/6/2023 शाम 5:30 बजे तक केवल रजिस्टर डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप आवेदन प्रेषित कर सकते हैं। इसके लिए देखिए, जो योग तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सहायक ग्रेड 3 के, तो सहायक ग्रेड 3 के कुल मिलाकर के आरक्षणवार 25 पद हैं। उसके देखिए स्टेनोटाइपिस्ट, तो स्टेनोटाइपिस्ट के लिए 12 पोस्ट है। साइड में आप देख सकते हैं इसके लिए सैलरी क्या रहेगा। देखिए साइड में ये दिख रहा है वेतनमान क्या रहेगा। उसके देखिए वाहन चालक, तो वाहन चालक के 6 पोस्ट है। ये भृत्य के 14 पोस्ट है, अर्दली के 1 पोस्ट है, चौकीदार के 4 पोस्ट है, फर्रास के 2 पोस्ट है। इस प्रकार से कुल मिला करके 64 पदों के लिए यहाँ विज्ञापन जारी किया गया है। पदों की संख्या में वृद्धि कमी की जा सकती है। सहायक ग्रेड 3 के लिए शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, और यदि पुरानी हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण है तो प्रथम वर्ष कॉलेज में हो, और कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग का 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर में 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, या DCA हो, PGDCA हो, कोई भी हो, ये आपके पास शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए देखिए सेम इसी प्रकार की इसके लिए भी है। वाहन चालक के लिए, तो वाहन चालक की बात की जाए तो इसके लिए कक्षा 8वीं उत्तीर्ण, हल्के वाहन चलाने का स्थायी वैध ड्राइविंग लाइसेंस 4 व्हीलर का होना चाहिए। चतुर्थ श्रेणी भी तेरदरी चौकी फर्रास के लिए देखिए 8वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उसके देखिए इसके जो सूची तैयार की जाएगी, तो आपके प्राप्तांक है मेरिट लिस्ट के आधार पर जो है चयन सूची तैयार किया जाएगा। देखिए ये नियम एवं शर्तें, विज्ञापित पदों की संख्या परिवर्तनीय है, बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। और आप देख सकते हैं इसके लिए जो उम्मीदवार समतुल्यता प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण की अंक सूची के साथ आवेदन करेगा उसे नोटरी द्वारा सत्यापित 10 रुपये के स्टाम्प के पेपर के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। आयु की सीमा 1/1/2023 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष, और जो छूट लागू रहते हैं जो छत्तीसगढ़ शासन से, वे सभी छूट लागू रहेंगे। चयन की प्रक्रिया तृतीय श्रेणी के देखिए सहायक ग्रेड 3 के स्टेनोटाइपिस्ट के पदों के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का प्राप्तांक 80%। तो इस प्रकार से दोस्तों मेरिट के आधार पर जो है आपका चयन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर की जाएगी। प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80%, तृतीय वर्ष 90% जो है आपको स्टाइपेंड के रूप में सैलरी दिया जाएगा। प्रतीक्षा सूची 1 वर्ष तक वैध रहेगी। अन्य सभी शर्तें, निर्देश, जानकारी इस प्रकार से दिया गया। आपको आवेदन कैसे करना है तो वांछित प्रमाण पत्र एवं अंक सूची के साथ ये 6वें नंबर पर दिख रहा है, इस पते पर आपको जो है पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करना है। यदि आपको किसी प्रकार की कुछ डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं नए जो जिले की जानकारी, यही आवेदन का प्रारूप है। अगला देखिए कार्यालय कलेक्टर कोंडागांव से, कोंडागांव से विज्ञापन जारी किया गया है। ये भी जो विज्ञापन है सीधी भर्ती गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो 26/5/2023 से 15/6/2023 शाम 5 बजे तक रजिस्टर डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। सहायक ग्रेड 3, तो सहायक ग्रेड 3 के 5 पोस्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं आरक्षण वाले। स्टेनोटाइपिस्ट के 4 पोस्ट है, आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। वाहन चालक के भी 5 पोस्ट है। इसी प्रकार देखिए भृत्य के 4 पोस्ट है, फर्रास के 2 पोस्ट है, चौकीदार के 3 पोस्ट है। कुल मिला करके 23 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया। अब शैक्षणिक योग्यता, तो सभी के लिए यहाँ जो पिछला विज्ञापन बताया उसी प्रकार यहाँ भी शैक्षणिक योग्यता सेम रहेगा। आपको किसी प्रकार की कुछ डाउट होता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और PDF आपको कैसे मिलेगा, PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और PDF आपको वहीं से डायरेक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट नोटिफिकेशन जिला कबीरधाम से, कबीरधाम से भी देखिए सीधी भर्ती के लिए, सीधी भर्ती मतलब गवर्नमेंट जॉब है, ये भी गवर्नमेंट जॉब है। देखिए औषधालय सेवक,
मसाजदार पुरुष, मसाजदार महिला, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, दाई, वार्ड बॉय, रसोईया, किचन सर्वेंट, चौकीदार। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के देखिए 18 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ों किसके लिए कितना पोस्ट है ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आप स्वयं अवलोकन करके आप जो है फॉर्म फिलअप करेंगे किसके लिए आप जो है योग्य है। ओके, तो देख सकते हैं आप ये जो विस्तृत विज्ञापन आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए कौन आवेदन कर सकते हैं, तो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी, देखिए आप देख सकते हैं कबीरधाम जिला के स्थानीय निवासी, मूल निवासी उम्मीदवार, इसके लिए देखिए कबीरधाम जिला के स्थानीय निवासी बोल दिया है, तो कबीरधाम जिला के जो कैंडिडेट है उसको पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। और जो है जो और दो नोटिफिकेशन देखा है उसमें छत्तीसगढ़ के जो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगला नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास शाखा जिला नारायणपुर से आया हुआ है। ये भी नोटिफिकेशन जो है वो गवर्नमेंट है, सरकारी नौकरी है, तृतीय श्रेणी वाहन चालक, चतुर्थ श्रेणी भृत्य के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी, छत्तीसगढ़ के स्थानीय या मूल निवासी अभ्यर्थियों से जो है आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के स्थानीय मतलब स्थानीय बोला जाए तो नारायणपुर हो जाएगा, मूल निवासी बोल रहे तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी मतलब दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12 जून 2023 शाम 5 बजे तक पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप आवेदन प्रेषित कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं वाहन चालक भृत्य के कुल 3 पोस्ट के लिए यहाँ विज्ञापन जारी किया गया। वाहन चालक के लिए 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और जो ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। शासकीय संस्था कार्यालय अथवा शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था में वाहन चलाने का 1 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए और जो भृत्य के लिए 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, चयन की प्रक्रिया मेरिट के आधार पर किया जाएगा। ओके, और दोस्तों आपको नीचे दिखा दे रहा हूँ आवेदन का प्रारूप है, इस प्रारूप में भर करके आपको जो है आवेदन प्रेषित करना है। अलग अलग पदों के लिए आपको अलग अलग आवेदन प्रेषित करने होंगे। यदि किसी प्रकार के कुछ डाउट होता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय जय भारत, जय छत्तीसगढ़।